अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आप लोगों को अस्तर की कुर्ती की कटिंग बताऊंगी। इस तरह हमने फोर फोल्ड करते हुए अस्तर को कट कर लिया है। देखिए इस तरह हम फोर फोल्ड करके कपड़े को बिछा लिए हैं। ये हमने दामन की कुर्ती को मापते हुए साइज लिया इसका। देखिए इस तरह दामन की कुर्ती हमारी 24 इंच है, तो इसका हम टेप को इस तरह आधा करते हुए 12 इंच पर हमने एक निशान लगा लिया है। ये 12 इंच का निशान है और एक इंच हम मार्जिन भी इसमें लगा लेंगे। इस तरह 13 इंच का साइज कुर्ती से मापते हुए हमने कपड़े को कट कर लिया है। अब हम इसकी लंबाई लेंगे। शोल्डर के पास से टेप को रखते हुए हम नीचे की तरफ टेप लेकर जाएंगे। एक नंबर शोल्डर के पास रखेंगे। देखिए इस तरह हमारी जो टोटल लंबाई है कुर्ती की वह है 42 इंचेस। अस्तर पर भी हम साइज माप लेंगे लंबाई। देखिए अस्तर में एक इंच कम है, ये 41 इंचेस है। अब हम कुर्ती को लेते हुए शोल्डर मापेंगे। जहाँ से हमारे आस्तीन जुड़े हुए वहाँ से टेप रखते हुए हम दूसरी तरफ के जहाँ आस्तीन जुड़े हुए वहाँ तक लेंगे। 12 इंचेस का आधा करके हम 6 ले लेंगे, यानी 12 का आधा करके हमने 6 पर निशान लगा लिया है। चौड़ाई में हम टेप को रखेंगे इस तरह। अब हम कुर्ती पर से आर्महोल का निशान लेंगे। देखिए टेप को हम कभी भी आर्महोल मापते वक्त सीधे स्ट्रेट रखेंगे लंबाई की दिशा में। अगर आपको बगल मापना नहीं समझ में आ रहा तो स्केल यूज़ कर सकते हैं। देखिए इस तरह स्केल को हम बगल के पास से रख लेंगे सीधा और एक स्क्वायर बॉक्स बना लेंगे इस तरह। अब 6.5 इंच पर हमारा बगल आ रहा है, तो इसी तरह हम लंबाई की दिशा में 6.5 इंच का टेप लगा देंगे। शोल्डर 6 और बगल 6.5 लिख रही हूँ मैं। अब हम चेस्ट का निशान मापेंगे कुर्ती पर से। देखिए जहाँ हमारा बगल का हिस्सा होता है कोने का, वहाँ से हम चेस्ट का निशान मापते हैं, तो ये 19.5 है। अब 19.5 को हम आधा करते हुए ले लेंगे। 19.5 का जब टेप हम आधा करेंगे तो 10 में 2 काड़ी कम आएगा, यानी कि 9 पे 6 पॉइंट आएगा। तो 9 इंचेस पर 6 पॉइंट पर हम निशान लगा लेंगे इस तरह टेप को फोल्ड करते हुए, और निशान भी बना देंगे हम चौड़ाई के इसमें। अब हम कमर की लंबाई लेंगे। देखिए अब हम कमर की लंबाई लेंगे। कमर की लंबाई है 14 इंचेस और जहाँ पर हमने कमर की लंबाई लिया चौड़ाई लेंगे 17 इंच। ये 17 इंच है हमारी कमर कुर्ती की। अब हम ऊपर से टेप रखते हुए शोल्डर के पास से 14 इंच पर निशान बनाएंगे। इसके बाद हम 8.5 इंच यानी कि 17 का आधा 8.5 इंच कर देंगे। 17 का हाफ 8.5 और उन दोनों निशान को मिला लेंगे। अब हम चौकों की लंबाई लेंगे। शोल्डर के पास से हम चौक जहां हमारे ओपन आते हैं वहां तक निशान ले लेंगे। देखिए ये जो हमारा हिस्सा है ये 20 इंच पर आ रहा है ओपन, तो इस तरह हम 20 इंच का निशान ले लेंगे लंबाई का। पहले हम शोल्डर के पास से 20 इंच का निशान ले लेंगे। अब हम चौड़ाई का निशान लेंगे। चौड़ाई को भी हम कुर्ती से जो भी दोनों चौक ओपन है वहाँ से फोल्ड करते हुए माप लेंगे। किनारे से किनारे पर टेप लगाएंगे हम चौकों के। देखिए हमारी जो चौक की चौड़ाई है वो 21 इंच है। इस तरह 21 इंच होनी चाहिए। इक्कीस का आधा 10.5 इंच कर लेंगे हम। इस तरह 10.5 इंच का निशान बना लेंगे इस हिप की चौड़ाई के पास। अब हम कमर की चौड़ाई से हिप की चौड़ाई को मिलाएंगे। दामन तो हमने पहले ही बता दिया था,
12 इंचेस और 1 इंच मार्जिन। अब हम अंदर के निशान से अंदर के निशान को मिलाएंगे। अब ऊपर से मार्जिन लेंगे हम, चेस्ट के पास का जो मार्जिन है 1.5 लेंगे। इस तरह देखिए, ये 1.5 है। वन एंड हाफ इंच इस तरह निशान से लगा लेंगे हम। कमर की चौड़ाई में भी 1.5 इंच लेंगे। हिप के पास हम चौक को सिलाई करते हैं तो 1 इंच लेंगे। सिर्फ 1 इंच हमें लेना है। अब इन सबको मिला लेंगे बाहर के निशान से बाहर के निशान को। देखिए 1 इंच हमने दामन में लिया हुआ था, तो हिप के पास भी 1 इंच लेकर मिला लेंगे इसे बाहर के निशान से बाहर के निशान को। अब हम बगल में टेप को 1 इंच के निशान को क्रॉस करते हुए रखेंगे जहाँ हमारा स्क्वायर बना हुआ है। देखिए नज़दीक से बता रही हूँ मैं इस तरह, और इसे बगल को राउंड बना लेंगे हम। ये हमारा राउंड बन चुका है। अब हम इसे कट करेंगे। बाहर के निशान से हम कटिंग करेंगे, इसकी सूट कट करेंगे इसका, जो हमारा बाहर का निशान है। ये हमारा सूट कट हो चुका है। अब हम कट लगाएंगे। देखिए ये कट हमारा चौक की सिलाई के लिए है, ये कट हमारा कमर का शेप बनाने के लिए है, और इधर का कट चेस्ट के पास साइज देखने के लिए है। अब हमारा अस्तर कट हो चुका है। अब ऊपर का जो कुर्ती का कपड़ा है हमारा वर्क किया हुआ, उसे लेंगे हम और बीच की सिलाई खोल देंगे। ये बड़े बड़े टाके होते हैं इसलिए इसे हम इजी खोल सकते हैं। पहले मैं फ्रंट साइड का कपड़ा ले लूँगी। देखिए फ्रंट में जो काम होता है उसे देखकर हम कपड़े को बिछाते हैं। इस तरह बीच का जो गले का काम होता है उसे हमें ध्यान से देखना है, नहीं तो कुर्ती क्रॉस हो जाती है। सॉरी, पहले हम बाजू की जो पाइपिंग लगी हुई है उसे खोल देंगे। इसके भी टाके बड़े बड़े होते हैं, इसे भी हम इजी तरीके से खोल सकते हैं। दूसरे हिस्से की भी पाइपिंग हम इसी तरह खोल लेंगे। ये हमारी दूसरे हिस्से की भी पाइपिंग खुल रही है। अब फिर से हम दोबारा इसे सेंटर का हिस्सा देखते हुए बिछाएंगे। ज़्यादा से ज़्यादा हमें गले पर पहले ध्यान देना है। बीच का हमें सेंटर पर ध्यान देना है कि गले का जो काम है, जो वर्क है, वो हमारा बीच सेंटर में आना चाहिए। साइड के कपड़े को हम उतना ध्यान नहीं देंगे, वो छोटा बड़ा होते रहता है। बीच में हम ज़्यादा ध्यान देंगे और एक बार दामन को भी ध्यान से देख लेंगे। अब इस पर अस्तर बिछाएंगे हम। इससे पहले अस्तर बिछाने से पहले हम लंबाई माप लेंगे। टोटल हमारी 44 इंच आ रही है। 1 इंच ड्रेस लंबा हो रहा है, लेकिन हम 1 इंच बढ़ा सकते हैं इसमें, इसलिए हम अस्तर रखते हुए अब कट कर लेंगे। देखिए नीचे ये 2 इंच बढ़कर हो रहा है, 2 से 2.5 इंच। कभी भी अस्तर छोटा होता है, 2 से 3 इंच अस्तर हमें कम लेना चाहिए।
देखिए हमें हमने इस फ्रंट का हिस्सा कट कर लिया है अस्तर रखते हुए। अब हम बैक साइड का हिस्सा लेंगे। ये बैक साइड का हिस्सा है। बैक साइड में भी हम दामन जितना है उतना ही कपड़ा बिछा लेंगे। हमारा दामन 12 इंच और 1 इंच मार्जिन मिलाते हुए 13 इंच है, यानी कि 12 प्लस 1 करते हुए 13 इंचेस। तो इस तरह हम 13 इंच का ही कपड़ा बिछाएंगे, क्योंकि बचे हुए कपड़े में हमें आस्तीन निकालना है। अब इसे अच्छे से बिछाते हुए हम इसके ऊपर अस्तर रखेंगे और अस्तर को भी हम ध्यान से रखेंगे। देखिए ऊपर से हम बराबर कपड़े में रखेंगे और नीचे जो ज़्यादा हो रहा है वो कपड़ा नीचे की ओर छोड़ देंगे। अब मैं इसे कट करूँगी, लेकिन इससे पहले हम देखिए जो साइड में हमारा कपड़ा निकला हुआ है कुर्ती का, उसे सही कर लेंगे, क्योंकि बाद में हमारा कपड़ा ज़्यादा कम हो जाता है, इसलिए हम पहले इसे अच्छे से बिछा लेंगे जो अस्तर हमने कट किया हुआ है। अब इसे भी हम सेम सामने के फ्रंट हिस्से की तरह कट कर लेंगे। बैक साइड का भी हमारी कटिंग हो चुकी है। अब हम आस्तीन बताएंगे बचे हुए कपड़े में। अस्तर कम है इसलिए हम बाद में कट करेंगे, पहले हम ऊपर की कपड़े की आस्तीन का कटिंग बताएंगे। देखिए हम इसे आड़े में फोल्ड कर लेंगे, यानी कि बचे हुए कपड़े को हम टू फोल्ड की तरह मोड़ लेंगे। फिर इसे इस तरह लेते हुए इसे बीच में से, ये देखिए टू फोल्ड है, अब इसे फोर फोल्ड कर लेंगे हम। ये हमारा फोर फोल्ड हो चुका है। अब हम शर्ट लेते हुए इसका आस्तीन माप लेंगे। आस्तीन की लंबाई है हमारी शोल्डर के पास से रखते हुए हम मापेंगे, मतलब जहाँ से हमारा आस्तीन जुड़ा हुआ है 16.5 इंच। देखिए 16.5 इंच है, 1.5 इंच माया मिलाते हुए हम इसमें 18 इंच ले सकते हैं। ये हमारी लंबाई हो गई मार्जिन के साथ। अब चौड़ाई लेंगे, चौड़ाई है 5 इंच। ये निशान हमने नीचे की ओर लगा लिया चौड़ाई का। ये हमारे आस्तीन इस तरह आते हैं। देखिए अब हम जो सिलाई है उसमें 1/2 इंच का टेप ऊपर छोड़ते हुए शेप लेंगे। शेप हमारा 3 इंच पर आता है, तो जहाँ से हमने लंबाई लगाई हुई है वहाँ से 3 इंच का निशान और एक बना लेंगे हम ऊपर की तरफ से। नीचे 1.5 इंच मार्जिन ले लेंगे चौड़ाई में। अब हम कट बगल मापेंगे, यानी कि जो बगल को हमें आस्तीन ज्वाइंट करना है उस तरह कट बगल मापेंगे हम बैक साइड का। देखिए कट बगल है 10.5 इंचेस। अब 18 इंच के निशान से हम 3 इंच के निशान पर क्रॉस टेप रखते हुए ले लेंगे 10.5। इस तरह राउंड स्केल से हम साइड से मिला सकते हैं इसे। आप चाहे तो स्ट्रेट भी मिला सकते हैं, लेकिन लूज हो जाता है इसलिए हम राउंड स्केल का यूज़ करेंगे। अब बीच सेंटर में आधे हिस्से तक हम ऊपर लेंगे थोड़ा सा शेप, और आधे हिस्से के बाद नीचे ले लेंगे। इस तरह हम आस्तीन कट करेंगे। ये हमारे 3-4 आस्तीन कट हो रहे हैं। अब हम इसका अस्तर कट करेंगे, क्योंकि अस्तर का कपड़ा कम था इसलिए मैं बाद में कट कर रही हूँ।
शलवार लूज ज़्यादा रखने की वजह से अस्तर का कपड़ा कम है। ये देखिए इतना ही अस्तर हमारे पास बचा हुआ है, तो हम इसे इस तरह फोल्ड करके रखते हुए, फोर फोल्ड, ये हमारा फोर फोल्ड है इस तरह। अब हम इसमें जो आस्तीन कट किए हुए थे उसी को उठा कर रखेंगे और हाफ आस्तीन हम कट कर लेंगे इसमें। ये हमारे हाफ आस्तीन कट हो चुके हैं, अब मैं सेंटर में कट लगाऊंगी बारीक सा। और ये जो जॉइंट है बाजू के, ये जॉइंट भी हमें कट करना है जो कपड़ा कम है उसका। देखिए ऊपर से जो आस्तीन में से हमने कपड़ा कट किया हुआ था उसी को हम कलियां बना देंगे, यानी जॉइंट बना देंगे आस्तीन का। इस तरह हम कपड़े को नीचे और आस्तीन को ऊपर रख लेंगे। आधा इंच मार्जिन रखते हुए हम इसमें कट कर लेंगे। ये हमारे जॉइंट भी कट हो चुके हैं आस्तीन के। अब इस कली को फोल्ड है इसे हम ओपन कर लेंगे। देखिए कभी भी कैंची को सुलाते हुए कट करना है, नहीं तो एक कली बड़ी और एक कली छोटी हो जाएंगी, इसलिए इसका ध्यान देना है हमें। ये इसकी जॉइंट हो चुकी है, दोनों दो जॉइंट भी हो कट कर लिया हमने। ये इसका अस्तर है। अब हम गले का साइज बताएंगे कि गले किस तरह मापना है और किस तरह कट करना है। देखिए क्रॉस टेप रखते हुए हम गले का साइज लेंगे। पहले चौड़ाई देख लीजिए, चौड़ाई है 5.5 इंच। जो खुला कपड़ा है उसी में मापेंगे। 5.5 को हम आधा करेंगे तो 3.25 होता है, यानी कि 2+6 पॉइंट। लेकिन इसमें से 2 पॉइंट हम कम कर देते हैं और 2.4 इंच ले लेते हैं, यानी 2.5 इंच। गले की चौड़ाई 2.5 लेंगे और गला लंबाई हम क्रॉस करते हुए मापेंगे। देखिए पीछे का गला हमारा 5.5 इंच है। इस तरह हम बॉक्स बना लेंगे। अब इसे राउंड करते हुए नीचे क्रॉस करते हुए 1 इंच का टेप या 1/2 इंच का, अगर आपको डीप में लेना है तो 1/2 इंच का टेप रखते हुए कट कर लेंगे इसे राउंड बनाकर। ये हमारा बैक साइड का गला है। अब हम फ्रंट साइड का गला कट करेंगे। ये फ्रंट साइड का नेक भी हम कट कर लेंगे इसी पर। इसमें भी देखिए पान गला है सामने, इसका साइज भी हम माप लेंगे कुर्ती पर से। गले की चौड़ाई सेम है, 2.5 इंच लेंगे हम, 2 भी आधा, 5.5 का आधा, 3.25, उसमें 2 काड़ी निकाल दिए तो 2.5 इंच आ गया, यानी 2 इंचेस 4 पॉइंट पर हम टिक लगा देंगे। अब लंबाई हम माप लेंगे इस तरह। देखिए लंबाई 6.5 इंच है क्रॉस करते हुए। अब हम 6.5 इंच का निशान इस पर रख लेंगे। अब इसे भी हम राउंड करते हुए शेप में कट कर लेंगे। थोड़ा सा पान शेप दे देंगे हम, क्योंकि गले पर डिज़ाइन वैसा है, जिस तरह डिज़ाइन है उसी तरह हमें कट करना है नोक निकालते हुए। अब हम कट बगल कट करेंगे। पहले मैंने माया लगा लिया है 1.5 इंच का। माये के पास से हम कैंची को, माये के कट से ही कैंची को लगाते हुए 1/2 इंच कपड़ा कट करेंगे। अब हम इसकी अस्तर भी कट कर चुके हैं सेम इसी तरह। अब जो बचा हुआ कपड़ा है, देखिए ये हमारा 2 टुकड़े अलग अलग निकला है, क्योंकि हमारी कपड़े में
ज्वाइंट आएगा, कपड़ा कम रहने की वजह से हम बीच सेंटर में ज्वाइंट ले लेंगे। इस तरह हम कपड़े को नेक को उठाकर रखेंगे, नीचे कपड़े को रखते हुए ज्वाइंट लेना है। देखिए हमें इस तरह, और गले का डिज़ाइन सेम इसी तरह बना लेंगे हम जिस तरह हमारा डिज़ाइन है। बाजू से इस तरह हम जितना भी कपड़ा आप सी सकते हैं, मैं तो इसमें 1.5 इंच ले लूँगी, 1 इंच भी ले सकते हैं लेकिन मैं 1.5 इंच लूँगी। इस तरह लेते हुए 1.5 इंच हम कट कर लेंगे इसे। अंदर के भी कपड़े को हम कट करेंगे। देखिए इतना कपड़ा हमें ज्वाइंट के लिए लेना है इसलिए मैं क्रॉस कर रही हूँ। ये हमारी 1.5 इंच की गले की पट्टी कट हो चुकी है। हम इसमें पेपर स्टिक रखकर सिलाई कर सकते हैं अंदर। ये फ्रंट के हिस्से की पट्टी हो गई इसलिए हम इसमें रखते हुए इसे लपेट देंगे। अब हम बैक साइड का भी नेक इसी तरह कट करेंगे। जिस तरह हमने सामने की पट्टी कट की हुई है उसी तरह हम बिल्कुल पीछे की पट्टी में भी 1/2 इंच मार्जिन रखेंगे, क्योंकि ये भी कपड़ा कम रहने की वजह से जॉइंट आ रहा है बीच में। इसे भी हम 1.5 इंच की पट्टी कट कर लेंगे। जिस तरह हमने सामने की पट्टी कट की बिल्कुल उसी तरह ये भी पट्टी हमारी कट हो चुकी है। इस पट्टी को भी हम पीछे के हिस्से में रख देंगे। देखिए ये आस्तीन है जॉइंट के साथ, और ये मेरा फ्रंट साइड का हिस्सा है और ये बैक साइड का हिस्सा है। मेरा वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।